शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनयू टाइम्स। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली के आह्वान पर कांग्रेस ने आज काला दिवस मनाया। इस दौरान सिंगरौली जिला और प्रदेश ब्लॉक मंडल सेक्टर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा द्वारा 100 दिन पहले षड्यंत्र रचकर जिस तरह से कांग्रेस सरकार को गिराया था उसी के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय कोठी से कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में काली पट्टी बांध बैठन शहर की पदयात्रा करके जनता को भाजपा की कथनी और करनी में फर्क बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूका। इस अवसर पर राम अशोक शर्मा कार्यवाहक अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, राम शिरोमणि शहबाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए डीएनयू टाइम्स के साथ।